मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं OMH News। बंगाल में विधानसभा चुनाव आने से पहले हर राजनीतिक दल अपना चुनावी पासा जनता के सामने फेंक रहा है। ऐसे में ममता की रणनीतियां धरी की धरी ना रह जाएं, इसलिए अब वो केंद्र सरकार में बैठे सत्ता पक्ष और अपने चुनावी प्रतिद्वंदी बीजेपी के शुरू से सुर मिलाने को भी तैयार हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले ही ममता सरकार पर निशाना साधा था कि देश के कई राज्यों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू हो चुकी है और देश के लगभग हर किसान को इस योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो इस योजना को राज्य में लागू होने से इनकार करता आ रहा है, जिस वजह से राज्य के लाखों किसान इस योजना से मिलने वाले लाभ से वंचित है। अब देर सवेर ही सही, प्रधानमंत्री मोदी के फटकार लगाने के कुछ समय बाद ही ममता बनर्जी ने राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को हरी झंडी दिखा दी है। इस सहमति के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने बंगाल के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ममता सरकार को पत्र लिखकर नोडल अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि किसानों को इस योजना के तहत धन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सके। इस योजना से पश्चिम बंगाल के करीब 20 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। हालांकि ममता का यह कदम राज्य के किसानों के लिए काफी सराहनीय है, लेकिन इस योजना पर इतने सालों तक सहमति क्यों नहीं दी गई थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे तमाम सवाल इस वक्त ममता सरकार पर उठ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में तो इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि इतने सालों से ममता ने राजनीतिक चालसाजी की वजह से इस योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया था, और अब जब चुनाव सर पर है और बीजेपी ममता की एक के बाद एक पोल खोले जा रही है, तो ममता ने इसे बैकफायर समझते हुए केंद्र के साथ इस योजना को लागू करने के लिए भी सहमति जताई है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से ममता सरकार पर किसानों को लेकर ये आरोप लगाया है, तभी से राज्य के किसानों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देने शुरू कर दिए थे। अब ऐसे में ममता को लगा होगा कि अगर वो इस योजना को राज्य में लागू कर देंगी तो राज्य के किसान उनके लिए आगामी विधानसभा चुनाव में सहायक साबित हो सकते हैं। पर यहाँ ममता ने सहमति जताई भी तो गलत समय पर, जिस वजह से अब वो सवालों से घिर सकती है। हाल फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही खबरों की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खबर के साथ। धन्यवाद।